On our third day at Thailand, we started our journey from Bangkok and reached Pattaya. On our first and second day at Thailand, we have visited many places of Bangkok. We have visited the famous Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun, and Taling Shang Floating Market, and then the Marble Temple while at Bangkok. I have already shared those videos with you. If you haven't watched those videos yet, please watch it. The link is in the I button and also in the description box below. The distance from Bangkok to Pattaya is approximately 150 km. On that day morning, that is on third day morning, we took a bus from Bangkok and reached Pattaya. हम लोगों को बैंकॉक से पटाया पहुंचने में लगभग 3 घंटा लगा था। बैंकॉक से पटाया तक रोड बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है। पटाया पहुंच के होटल में फ्रेश होके हम लोग निकल गए थे बिग बुद्धा टेंपल देखने के लिए। This is the biggest temple of Pattaya. The name of this temple is Wat Phra Yai or Big Buddha Temple. This place was very beautiful, peaceful, calm, charming, energetic and what not. I have shared a detailed information with you in this video regarding the Big Buddha Temple of Pattaya. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. Dolphin, the show, the third time, 1 hour, good show, yes, good show. Can we touch dolphin in the show? You can touch dolphin but extra money. You can take photo with dolphins by your own camera, but they're charging you extra 400 baht. 400 baht, you can go for member. You understand, huh? Touching for member, you may sharing 100 baht is. One family, 3 member, 400 baht. One member, also 400 baht. Maximum, 4 member. Okay, but by your own camera, okay? Good morning, friends. आज हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं पटाया के बिग बुद्धा टेंपल जाने के लिए। हम लोग बस पकड़ लिए थे और बस में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो हम लोगों को और भी प्लेसेस के बारे में बता रहे थे जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत ही कम था, हम लोग सिर्फ एक ही दिन के लिए पटाया आए थे, जैसे आज सुबह आए और कल दोपहर को हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग उनसे यही पूछ रहे थे कि इतने कम टाइम में हम लोग क्या क्या जगह देख सकते हैं। वो बहुत ही फ्रेंडली थे, हम लोगों को जगह के बारे में तो बता ही दिए और उसके साथ कहाँ पे कितना चार्जेस लगता है ये सब भी हम लोगों को डिटेल में बता दिए, ताकि हम लोगों को जाके उधर कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे डॉल्फिन शो होता है, टाइगर शो होता है, ये हम लोगों को भी पता है, पर हम लोग यहाँ पे ये सब नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यही सारा शो फुकेट में देखने वाले हैं। हाँ, पटाया के बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे फुकेट। थाईलैंड में जितने भी दिन हम लोग घूमे थे, हम लोगों को इस जगह के लोगों से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। यहाँ के जितने भी सारे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे सारे जगह पे पीस को ही ये लोग प्रमोट करते हैं, और उसी चीज का सीधा रिफ्लेक्शन यहाँ के लोगों पे दिखने को मिलता है। यहाँ के लोग भी बहुत ही पीसफुल है, हेल्पफुल है और बहुत ही फ्रेंडली है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते,
गुड मॉर्निंग, और अभी मैं आई हूँ पटाया के बिग बुद्धा टेंपल में। चलिए आप लोगों को भी एक बार दिखा देती हूँ बिग बुद्धा टेंपल। ये देखिए मेरे सामने है ये बिग बुद्धा टेंपल, और मैं अभी इसी टेंपल में जा रही हूँ। देखिए जिस रास्ते से हम लोग ये बिग बुद्धा टेंपल की तरफ जा रहे हैं, उसी के दोनों साइड में बहुत सारे शॉप्स हैं। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर एक भगवान बुद्ध का मूर्ति है, शायद ये भी एक छोटा सा टेंपल है। भगवान बुद्ध का ये मूर्ति एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था, और इस साइड भी कुछ शॉप्स है, और सामने है ये बिग बुद्धा टेंपल। मंदिर का सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ही आपको ये दोनों नागा स्नेक्स दिखेगा। ये जो नागा स्नेक्स का हेड है वो इस जगह का आइकॉनिक व्यू है। यहाँ से भगवान बुद्ध के मूर्ति तक पहुँचने में आपको 108 सीढ़ियाँ क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जो सीढ़ी से आप जाओगे उसके दोनों तरफ रहेगा ये गोल्डन कलर का नागा सांप। अभी मैं ये स्टेयरकेस से चलना स्टार्ट करूंगी, और मेरे दोनों साइड देखिए ये गोल्डन कलर का नागा सांप है, जिससे इस सीढ़ी का लुक ही अलग हो जाता है। पहले मुझे लगा था ये 108 सीढ़ियां मैं कैसे क्रॉस कर पाऊंगी, बहुत हाइट होगा और बहुत तकलीफ होगा जाने में, पर सच मानिए ये सीढ़ियां बहुत ही छोटा छोटा सीढ़ी है। मतलब नाम के ही 108 सीढ़ी है, पर सीढ़ी का जो हाइट है वो बहुत ही कम था। ये जो रास्ता था ये ऑलमोस्ट स्लैंटिंग ही था। और ये देखिए ये नागा सांप का बॉडी। थाईलैंड के हर एक टेंपल में ऐसे जो ड्रैगन टाइप का स्नेक रहता है वो इतना सुंदर होता है, उसके ऊपर इतना सुंदर काम किया हुआ होता है, मुझे ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आपसे बात करते करते मैं ये 108 सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर पहुंच भी गई थी। और ऊपर पहुंचते ही मुझे सबसे पहले एकदम सामने दिखा ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत एक भगवान बुद्ध का मूर्ति, और नीचे पानी रखा हुआ था, तो सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के पांव धो के उनको प्रणाम कर लिया। और ये सारा है विशिंग ट्री, आप यहाँ पे विश कर सकते हो। कैसे, ये देखिए ये सब है विशिंग स्टिक, और यहाँ पे आप आपका मन के इच्छा अनुसार पैसा लगा के यहाँ पे लगा दोगे कोई विश मांग के, तो आपका विश पूरा हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। और फाइनली मैं पहुंच गई थी पटाया के सबसे बड़ा बुद्ध मूर्ति के सामने। पहुंचने के बाद इतनी सुंदर मूर्ति को मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए देख ही रही थी। मैं सच में इस मूर्ति को देख के मुग्ध हो गई थी। सिर्फ यहाँ पे आके खुद को समर्पित करने का मन करता है भगवान बुद्ध के चरण में, सिर्फ मन भर के प्रणाम करने का मन करता है आपको। चलिए पहले भगवान बुद्ध को प्रणाम करके आते हैं। भगवान बुद्ध के मूर्ति की तरफ जब आप आगे बढ़ोगे आपको आपके दोनों साइड में बहुत सारा छोटा छोटा भगवान बुद्ध के मूर्ति मिलेगा, और सामने ये थोड़ा दो बड़ी मूर्ति मिलेगा, और जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको सामने मिलेगा ये बड़ा सा भगवान बुद्ध का मूर्ति। यहाँ पे जितना भी भगवान बुद्ध का मूर्ति था वो मैक्सिमम ही गोल्डन कलर का ही था। यहाँ पे कुछ ही मूर्ति था जो अलग कलर का था, और यहाँ पे था ये बड़ा सा एक बेल। मैं आपको पहले भी ये
बेल दिखाई हूँ, ये थाईलैंड के हर मंदिर में रहता है और ये फिर से एक विशिंग ट्री। और यहाँ पे भी भगवान बुद्ध की मूर्ति के एकदम नीचे बहुत सारा छोटा छोटा मूर्ति है। और यहाँ पे एक ट्रॉली टाइप रखा हुआ है जिसपे चढ़ के आप भगवान बुद्ध के पाँव को छू सकते हो। मैं एक्चुअली भगवान बुद्ध के पाँव को छूने के लिए अपना खुद का जूता खोल के इस ट्रे में चढ़ी थी और ये ट्रे धूप के वजह से बहुत ही गर्म था और मेरा पाँव जल गया था। पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे भगवान बुद्ध को छूने के लिए जूता खोलना मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग जूता पहन के भी भगवान बुद्ध के पाँव को टच कर रहे थे। और इस मूर्ति के जस्ट बगल में ही था बहुत सारा शॉप और यहाँ पे भगवान बुद्ध का बहुत सारा मूर्तियाँ बिक रहा था। और यहाँ पे साइड में देखिए पूजा का सामान भी बिक रहा था, फूल वगैरह, अगरबत्ती और ये सारे बहुत सारे जो पूजा में यूज होता है वो सारा सामान भी यहाँ पे रखा हुआ था। आप ये सारा सामान खरीद के भगवान बुद्ध को चढ़ा सकते हो। और यहाँ पे मेन जो भगवान बुद्ध का मूर्ति है उसके चारों तरफ और सात भगवान बुद्ध का मूर्ति है और इस सातों भगवान बुद्ध के मूर्ति का हाथों का मुद्रा अलग अलग है। ये सातों बुद्धों मूर्तियाँ एक्चुअली सात दिन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी के हफ्ते के सात दिन। सारे जो मूर्ति है उनमें किसी में संडे, किसी में मंडे, किसी में ट्यूसडे एंड देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ऐसे लिखा हुआ है। ये सारे मूर्तियाँ ही बहुत ही खूबसूरत है और ये शायद किसी ऋषि के मूर्ति है। और ये है भगवान बुद्ध के बिग मूर्ति। हम लोग जब ऐसे किसी जगह में आते हैं, स्पेशली अगर हम लोग भगवान बुद्ध के टेंपल में आते हैं, तो मन में एक अलग सा शांति आता है, एक अलग सा अनुभूति आता है जो एक्सप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है। एक अलग सा शांति का अनुभूति होता है, मन जैसे अंदर से पूरा शांत हो जाता है। आप लोगों को भी क्या भगवान बुद्ध के टेंपल में आके ऐसा ही फील होता है, मुझे जरूर बताइएगा। Now some history and facts about this temple. Wat Phra Yai, commonly known as the Big Buddha Temple of Pattaya, is a Buddhist temple known primarily for its golden 18 meter tall Big Buddha statue. Temple dates back to the 1940s when Pattaya was still a fishing town. The statue was built in 1977. The steps leading up to the statue are bounded by two seven-headed nagas who are designed to guard the statue. मैं अभी जा रही हूँ सामने। Wat Phra Yai also contains seven other statues of the Buddha in different postures to represent their day of the week. अभी मैं आप लोगों को एक अनोखा चीज दिखाना चाहती हूँ। ये जो टेम्पल है बिग बुद्धा टेम्पल, ये फ्रा तमनक हिल के ऊपर स्थित है और इस जगह से यानी कि बिग बुद्धा टेम्पल से आपको पटाया का पूरा सिटी दिखेगा और सामने समुंदर भी दिखता है इस जगह से। इस हिल के ऊपर से यानी कि इस टेम्पल से इस पटाया सिटी को देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। द टेम्पल Wat Phra Yai, also known as Big Buddha Hill, which is generally known for its large golden Buddha statue,
and the Pattaya City sign. It has the highest natural point in Pattaya City, with its highest elevation being 98 meters above sea level. मेरे पीछे ही है ये बिग बुद्धा स्टैचू। बार बार मुझे यही स्टैचू देखने का मन करता है। ये स्टैचू खूबसूरत तो है ही, उसके साथ साथ ये स्टैचू मन में एक अलग शांति का एहसास जगाता है। मैंने आपको उस साइड से शहर और समुंदर दिखाई थी, अब मैं आपको इस साइड से भी शहर और समुंदर दिखाना चाहती हूँ। ये मंदिर के दोनों साइड से ही आपको समुंदर दिखेगा। अभी मैं फिर से मंदिर के सामने की तरफ जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर खूबसूरत सा एक रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू। पहले मैं इस बुद्ध स्टैचू को प्रणाम कर लेती हूँ। ये स्टैचू भी बहुत ही खूबसूरत था। देखिए एक बार इस स्टैचू को, गोल्डन कलर में ये स्टैचू कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर कुछ और स्टैचू था, और यहाँ फिर से वही जो डे वाला स्टैचू। और यहाँ पे देखिए भगवान को सब कुछ ये लोग खाने के लिए दिए हैं। और यही है वो दो सेवन हेडेड नागास। ये टेम्पल सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन रहता है, और इस टेम्पल में एंट्री बिल्कुल फ्री है। यानी कि इस टेम्पल में घूमने के लिए या फिर देखने के लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। और भगवान बुद्ध के बिग मूर्ति के एकदम ऑपोजिट में ही सीढ़ी के बिल्कुल पास एक और घर था, जिसमें भी बहुत सारा भगवान बुद्ध के मूर्तियां थे। और वहां से भी भगवान बुद्ध का मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और घूमते घूमते हम लोग और एक घर में आ गए थे, जहाँ पे भी बहुत सारे छोटे छोटे भगवान बुद्ध के मूर्तियाँ थे, और यहाँ पे कुछ फोटोज थे। देख के लग रहा था ये फोटोज जो थाईलैंड के पुराने राजाओं के हैं, और या फिर उनके जो एंसेस्टर है उन लोगों का है, या फिर यहाँ के मॉन्क्स के भी हो सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे भगवान बुद्ध के मूर्तियाँ थे। देखने में ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरह के घर यहाँ पे बहुत सारा था। और यहाँ पे देखिए हर एक बुद्ध मूर्ति के सामने एक पॉट रखा हुआ है, शायद दान करने के लिए। फिर हम लोग इस रूम से निकल के और एक रूम में गए, और ये रूम भी बहुत खूबसूरत था। और इस रूम में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति था। यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति के साथ और भी बहुत सारे मूर्तियाँ थे। एक बार आपको सामने से दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ये सारा सामान बिक रहा था। आप कोई भी सामान यहाँ से खरीद सकते हो आपके मेमोरीज के लिए, पर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा था। और इधर देखिए जो बिग बुद्धा स्टैचू है उसके एकदम सामने पानी के ऊपर एक बुद्धा स्टैचू है, और यहाँ पे सब लोग कैंडल जलाए हैं। ये जो लोटस के शेप में आपको दिख रहा है ये सारा कैंडल है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, देखने में दीपक जैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए पानी के अंदर बहुत सारे लोग पैसे भी डाले हैं, और नीचे बहुत सारा पॉट रखा हुआ है, शायद पैसा उस पॉट में ही डालना है। हम लोग नेपाल में ये चीज देखे थे,
नेपाल के काठमांडू शहर में एक टेंपल है स्वामभूनाथ टेंपल। यहाँ पे सब लोग भगवान बुद्ध को जूस पीने के लिए दिए हैं। वहाँ पे भगवान बुद्ध का एक मूर्ति है और नीचे एक कलश रखा हुआ है। और सबका मानना है आप अगर कॉइन फेंक के उस कलश के अंदर डाल सकते हो तो आपका विश पूरा हो जाएगा। यहाँ पे लोगों का भाषा समझ में नहीं आता है और यहाँ के लोगों को उतना अच्छा अंग्रेजी बोलना भी नहीं आता है, पर शायद यहाँ पे भी वो जो पॉट रखा हुआ है उसका पर्पस सेम ही है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे लोग भगवान को अपने आप से अलग नहीं मानता है। यहाँ पे लोग जो खाते हैं खुद, जो खुद पीते हैं, भगवान को भी वही चीज़ खाने पीने के लिए देते हैं। खुद जूस पीते हैं, भगवान को भी जूस पीने के लिए देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ पूजा के लिए 59 भाट में मिल रहा था और यहाँ पे सारा चीज़ 99 भाट में मिल रहा था। ये जो बेच रहे थे ये लोग, इस थाली के अंदर सब कुछ सेट बना हुआ था, जैसे जूस, जूस पीने के लिए स्ट्रॉ, गार्लैंड, अगरबत्ती, एक गुलाब का फूल, और जो 99 भाट में मिल रहा था उसके अंदर इसके साथ और भी बहुत सारे चीज़ था। अभी मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा बुद्ध मूर्तियाँ है, जो मेन बुद्ध स्टैचू है उसके चारों तरफ। तो मुझे पहले इसका मीनिंग नहीं समझ में आया था, बाद में पता चला ये सारी बुद्ध मूर्ति एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपके जन्म के दिन को। तो यहाँ पे सारी जो बुद्ध मूर्तियाँ है उसके नीचे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे 7 बुद्ध मूर्तियाँ है यहाँ पे। तो जैसे इस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है थर्सडे और मेरा जन्म थर्सडे में हुआ है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है और यहाँ पे थर्सडे लिखा हुआ है। और इसी वजह से इसके ऊपर जो बुद्ध मूर्ति है वो मेरा है, यानी कि ये मेरा बुद्ध है, मेरा बुद्ध के साथ मैं। यहाँ पे बुद्ध वर्ड का मतलब है खुद के अंदर के चेतना। यहाँ पे देखिए जहाँ पे समुन्दर खत्म हो गया है वहाँ पे एक हिल दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है। ये जो जगह आप देख रहे हो ये वही 18 मीटर्स हाई बुद्ध मूर्ति के एकदम पीछे है। यहाँ पे घूमते घूमते एक चीज मैं नोटिस की, यहाँ पे कुछ लोग जूता खोल के भगवान बुद्ध के चरण छू रहे हैं, कुछ लोग जूता पहन के ही छू रहे हैं, कुछ लोग जूता खोल के मंदिर के अंदर घूम रहे हैं, कुछ लोग जूता पहन के ही घूम रहे हैं, कुछ लोग कपड़े से अपने सर को ढक लिए हैं, कुछ लोग नहीं ढके हैं। यहाँ पे एक फ्रीडम है, जो जैसे भगवान बुद्ध की पूजा करना चाहते हैं वो वैसे ही कर सकते हैं। और मुझे लगता है ऐसे फ्रीडम देने से लोग और भी अच्छे तरीके से अपने आप को भगवान के सामने, भगवान के पास समर्पण कर सकते हैं। असल तो वही है ना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना। इतने सारे बनाए नियमों का क्या ही अर्थ रह जाएगा अगर कोई भगवान के पास जाके, मंदिर में जाके अपने आप को भगवान को समर्पित ही ना कर पाए, सिर्फ नियमों के भीड़ में ही उलझे रह जाए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और देखिए इस मंदिर से ये पटाया सिटी कितना सुंदर लग रहा है। इस मंदिर का एनवायरनमेंट जितना सुंदर है, शांत है, बाहर का दृश्य भी उतना ही खूबसूरत है। इस मंदिर से मुझे तो जाने का ही मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा ही।
और मैं भी यहाँ पे अपने मन से खुद को भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। मेरा मन यहीं पे रहेगा, मैं सिर्फ जाऊंगी यहाँ से। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन व्हाइल सब्सक्राइबिंग सो दैट यू कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एट ए न्यू प्लेस इन ए न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय।